मैं आई रियली वॉन्ट टू हैव दिस पॉइंट. एक तो मुझे ये बताएं, हम लोग सारा दिन टॉक शोज कर रहे होते हैं, इस पर बात कर रही होती हैं, क्या वाकई किसी को कुछ सुनाई दिखाई नहीं दे रहा होता, नंबर वन. नंबर टू, क्या कसूर है उन लोगों का जिन्होंने सर्विसेज ज्वाइन की, जिन्होंने सीएसएस किए या जो नौकरियों में आए? क्यों? क्योंकि पिछले 30 साल से इन लोगों की हुकूमत ही नून ली की, सो इसलिए दे ऑल आर द टारगेट. मतलब डू यू रियली थिंक दैट्स हाउ इट्स पाकिस्तान इज गोइंग टू वर्क? क्योंकि जिस पुलिस अफसर या जिस डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, सेक्रेटरी, जिसको भी आप लेंगे, वो तो तमाम लगे होंगे यार पिछले 30 सालों के अंदर. तो व्हाट इज दिस जस्टिफिकेशन? अच्छा, ये तो खैर सरासर बेवकूफी है, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं. दुरानी साहब तो इनके अपने सूबे में, इसका ये बहुत क्रेडिट लेते हैं कि हमने केपी को रिफॉर्म कर दिया था, उनको लेके आए, उनको भगा दिया. अब इन्होंने 6 महीने पहले एक आईजी लाए थे, अब उनको भगा दिया. अच्छा, सिर्फ आईजी लेवल की बात नहीं है मंसूर, पूरे पंजाब में हर जिले का डीपीओ, आरपीओ ये दो दो दफा चेंज कर चुके हैं. और ये कितनी कमजोर हुकूमत है जो खुद ये कह रही है कि जी ब्यूरोक्रेसी हमारी बात नहीं मानती. भाई, आपकी बात नहीं मानती तो इसका मतलब ये है कि आपका सियासी शऊर किसी काम का नहीं है और आपको इश्यूज का पता ही नहीं. आप अपनी नालायकी को छुपाने के लिए ब्यूरोक्रेसी और पुलिस सर्विसेज, जो टीएमजी पुलिस सर्विसेज है, उनके बीच में आप लड़ाई डाल के बैठे हुए हैं. और आप जो है वो तासुर ये, अच्छा, जब अलीम खान बहुत एक्टिव थे पंजाब में, जब इनकी हुकूमत नई नहीं आई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, तो इनको ये भी नहीं पता कि किसका ग्रेड है, वो किसके सबऑर्डिनेट है, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है. इन्होंने सारे सूबे के अफसरान को बिठा के और कहा जी कि आप सारे डीसी को जवाबदेह हो जाएंगे. तो ये जो इस तरह की बेवकूफियां हैं, ये जो जहालत है, खुदा के लिए, इतना बड़ा सूबा और उस सूबे का आप सत्यानाश कर रहे हैं. एक काम नहीं हुआ मंसूर, एक बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू नहीं किया. और खान साहब जैसे मंसूर कह रहे हैं और अमीर भी कह रहे हैं, इतने यू टर्न ले चुके हैं. हमें देखें, अवाम का हक है, बताएं वजह क्या है. बुजदार साहब के साथ ऐसी आपकी कौन सी कमजोरी जुड़ी हुई है, या बुजदार साहब ने माजी में ऐसे, आप तो चले वर्ल्ड कप जीत के आए थे, बुजदार साहब क्या करके आए? मतलब एक ऐसा बंदा जिस क्रेडिट, उसके क्रेडिट के ऊपर ये जी कि उनके गांव में बिजली नहीं है, वो इतने पसमानदा, मतलब पसमानदगी अगर उन्होंने अपनी सारी जिंदगी उस पसमानदगी में गुजारी है, तो अब वो पूरे सूबे को उस पसमानदगी की तरफ लेके जा रहे हैं. मतलब ये कौन सा क्रेडिट है, ये कौन सी दुनिया में होता है? उनके क्रेडिट पे क्या है, क्या चीज उन्होंने ऐसी की एक्स्ट्रॉर्डिनरी, क्या पिता उनके ऊपर लेके बैठ गया और उनसे उस पर जिद भी है, किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है. मंसूर और अमीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं.